सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हम मानव लोग इस रास को जब भी सुनते हैं तो कुछ लोग बड़े भाव में डूब करके, भगवान के परम भक्त लोग जो भगवान से विश्वास करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसे भक्त भगवान के चरित्र सुनते वक्त बड़े भाव में डूब करके कथा सुनते हैं, भगवान के हर लीला को बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस महारास प्रसंग को लेकर के नेगेटिव सोच भी रखते हैं। मैं आपको समझाऊं, मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान ने महारास किया, ये तो भागवत के रास पंचाध्याय भागवत के हृदय है। जब भी रास पंचाध्याय की कथा आती है, ये कथा गोविंद को बहुत प्रिय है, भगवान के भक्तों को बहुत प्रिय है। यहाँ पर भगवान ने रास किया, इसका मतलब क्या है? भगवान ने क्यों रास किए? रसानाम समूह इति रासा, रस रूप परमात्मा का रस स्वादन करने का विधि का नाम ही रास है। और ये गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं थी, ये गोपियां साक्षात वेद के मंत्र हैं, वेद के ऋचा हैं। गोभी ही इंद्रियै ही कृष्ण रसम पिबती सा गोपी, अपने प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण के प्रेम रूपी रस को पान करती है वो गोपी है। ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है, और ये गोपियां तो अपने मन मंदिर में 24 घंटा परमात्मा को रखती हैं, अपने मन में हर पल गोविंद को विराजमान कराती हैं। जिस जो भगवान गोपियों के मन में कैद है, गोपियों के मन में बंद करके गोपियों ने रखा है, भला वो गोपियां गलत कैसे हो सकती है? और ये महाराज आत्मा और परमात्मा का मिलन का एक कथा है।